के होगा ना कोई कोई छोकरा, तू तरफ जा ले जा एक लाल नेतरा। माँ क्या ये क्या कर रही हो? मैं शांति को छोड़कर दूसरा विवाह कर लूं? तो चुप रहो माना ऐसा। कहना है तुमको गवाना। माँ आपको ऐसा कहना शोभा नहीं देता माँ, क्योंकि मेरी शांति और मेरी पत्नी शांति जो है आपको अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करती है। सुनो बेटा, अच्छे साल से औरत है आई। बेटा सुनो मेरी बात को, तो 6 साल से तेरी औरत है आई और यही पेश करते हर दम हाँ बेटा। अरे माँ ये जो कहती हो मैं ये बात हमेशा पेश करता हूँ, लेकिन आप भी जानती माँ कि जब तक ईश्वर नहीं देगा कोई औलाद का सुख नहीं पाएगा माँ। मगर बेटा हाँ ये घर कैसे चलेगा? हाँ माँ मने हमें सोच सोच खटका है भैया। क्या कि 6-7 साल होएगा भौजी का वजह तो ना ही कुछ मुझ मुसरी दिखाने। हाँ? क्या बकता है? अब ये सच कह रहा है, तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? बकत का है नहीं भैया, अब तू चले कि काकी आई रहा तो 6 महीनों में पैदा हो गया। आराम जाते क्या बकता रहता है रे? मेरा मूड वैसे खराब हो गया, इतना जल्दी कोई नहीं पैदा भाई जितना तू पे हो रहा। लेकिन माँ का बचन भी मैं नहीं काट सकता ना माँ। क्या बात है माँ, आप जो कह रही हैं आपका वचन मैं कभी नहीं काट सकता माँ। तो सुन बेटा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। क्या माँ? तो दूसरा शादी कर ले। ठीक है माँ, अगर आपका ये कहना है तो ठीक है, लेकिन माँ आपसे प्रार्थना है, आपसे विनती है मैया। कौन सी विनती? कि जितना 6 साल जब आप इंतजार कर सकती हैं तो मेरे कहने से 6 महीना और इंतजार कर लो माँ। 6 महीना और? हाँ माँ, अगर उसके बाद शांति का औलाद ना हुआ तो हम वादा करते हैं माँ कि आपके कहने के मुताबिक हम दूसरा विवाह कर लेंगे। वादा भूलना मत। नहीं माँ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं भूलता। जैसे मैंने 6 साल रखी तो 6 महीना और देखती हूँ। नहीं पायो काकी। क्या 6 साल से इनकी औरत है आई। बाजा ना बजाओ सादे में बताई दे, नमक डाल के फांक ले। 6 साल से इनकी औरत है आई, अज्वरी ज्वरी चुप खाती दवाई। ए बदतमीज, क्या बकता रहता है? वो मेरी औरत तेरी भाभी लगती है, भाभी माँ लगती है। तो हम कुछ कर आए थे, चुप हुए दवाई खा लेती, तब ये उनका पोता ना हुआ तब तक हमार पोता खिलावे। राम जादे तेरे पोता कहाँ हो गया रे जब तेरा शादी नहीं हुआ अभी? हमारे भैया के रहे हैं तो वो लागत है तो हमार नहीं हुए। वो बात सही है, लेकिन तुम जानता है कि शांति स्वभाव की इतनी अच्छी है कि हमारे माँ को कभी सासू नहीं समझी, अपना सास नहीं अपने माँ से बढ़कर मानती है। तो हम इनका समझाए थे बेर बेर, लेकिन इनके दिमागी हम तनिको इनके तो हालत ही नहीं है। क्या दिमागी हम बतिया हमारे तनिको नहीं हालत है। बकता रहता है माँ। क्या बात बेटा? मैं वादा किया हूँ कि अगर 6 महीने के बाद अगर शांति को औलाद ना हुआ तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा माँ।
ठीक है, लेकिन अभी 6 महीना और इंतजार कर लो। ठीक है बेटा, मैं तेरी बात मानती हूँ। माँ शांति कहाँ है? बेटा वो अंदर है, घर में है। जी हाँ। क्या है माँ कि बड़ा मोह लगा था आपको देखने के लिए, मैं दौड़ा आप ही के पास पहले चला आया, और आप तो जानती हो कि जब तक मैं आपका चरण ना छू लूं मैं अपने घर का दरवाजा नहीं, अपना पैर उस पार नहीं रखता, दरवाजा नहीं नाकता हूँ। माँ मैं जानती हूँ बेटा। तो माँ हमें इजाजत दो, अगर आपका आज्ञा हो तो मैं जाकर शांति से मिल लूं। चाह बेटा मिल लो। ठीक है माँ, चलता हूँ। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ए, तू बहुत बोलता है ना, बोल क्या कह रहा था मेरे बेटे के सामने? हम कोनो बात गलत नहीं कही थे काकी। अच्छा, हम जो बात कहा तो है सही, और जब बात रही सही तो कोई हमें का कही। ठीक है चलो। ओ स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा ए अपना घर द्वार, तुम पर रहे बरसता योगी सदा तुम्हारा प्यार, हमारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपन से प्यारा ए अपना जानती हूँ। हाँ। अपने दिल की बात तुमसे मैं जरूर कहूंगी। अरे तब हमसे ना कहो, तब कैसे कहे? ए लड़कवन कहे का? क्योंकि तुम मेरे प्यारे देवर हो। तब 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 ए देवर जी, तुम काका बनने वाले हो, मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। काका? हाँ। जय भगवान ऊपर रहे हो। सासु माँ कहती थी इसके कोई औलाद नहीं होगा, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तब तो जान लियो अब हमारा आया कई नौकरी लागे वाला है। अब हमें जान लियो कि दोनों टीम हमारा गुआरा भीजे रही। और ये बात अपने बाबूजी को जरूर बताऊंगी, वो ड्यूटी से अभी नहीं आए हैं। ठीक है बताए जरूर, आने वाले है ना। रुक जिया
के मैं जाती हूँ। का भौजी? का देवर जी? भैया आवत हुई है और हम जाए थे, आज हमार जेल पर ड्यूटी है। ये बात है? हाँ वह आवत हुई है, उनसे मिलाओ जुलाओ जाए नहीं हमें, वो डकुआवा जोन बंधन आई है। हाँ? वहाँ का हमारे ड्यूटी लाग है, आज हमारे ड्यूटी है गेट पर। अच्छा अपने भैया के साथ ड्यूटी करते हो? हाँ वही जाना थी, जब चला आवत है तब पूरा जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर रहत है। ये तो ठीक है। हाँ तू चलो अब भैया आते हुई है तबली कम, बाबूजी को जल्दी भेजना। ठीक ठीक ठीक, उनके हुआ चे कब नहीं हम छुट्टी करा दी। अब गांव वाले सुधर जा, बहुत बड़ा डाकू बंद करे हाँ, आज हमार पहारा लाग है। सोने वाले चांदी ले लियो, गांव भर लाली जमा जागो हम सोई। सोने वाले चांदी ले लियो, सोने वाले चांदी ले लियो। कौन हो बे? अरे बाप, अरे अरे चालाकी दिखाया तो गोली अंदर और तब बाहर हो जाएगा। अरे सर प्यार, राम खोर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप खड़े रहो। अरे अरे दाबे ना, दाबे ना, दाबे ना, अरे दाबे ना, दाबे ना। बनाऊंगा मुर्गी, मुर्गी बनाऊंगा तो हम तरी बोटी खाएगा तो मुर्गी नहीं, अब मैं तुझे मुर्गा बनाऊंगा साले मुर्गा। ठीक है फ्राई करके देता हूँ साले। हराम खोर जाकर अपने महाराज से बता देना कि तेरी बर्बादी शुरू होगी बहुत जल्द, और सेनापति से बता देना कि सेनापति वो हराम दादा मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे, और आज के बाद देख क्या करूंगा उसके पास सलू, वो साला खुद जा। लखवा जलिया तूर के भाग का। अबे साले लाखा जेल तोड़ के कैसे भाग गया? अरे सरकार हम का बताई, जलिया
कई गेटवा पकड़ी से पूरा गेटवा चर 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 सर 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 कर 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 उखाड़ के लेगा अलग जैसे महाराज जैसे गुह गोबर खाते चुप बे जा ओ सेना पर से खबर बता कि लाखा जेल तोड़ कर चला गया जा अरे दादा जाइते जाइते साला सत्यानाश कर दिया धर्म करे आइले ये भवना अधर्म भूले लापतो ये कहू धर्म न कैला ये कहू धर्म न कैला कैला पाप करो ये कहू धर्म न कैला धर्म मान कैला ये कहू धर्म मान कैला कैला पाप करो ये कहू धर्म सुकरम के देहले जियरा ज्ञान यदोर अग सुकरम के देहले चल रहा हूं अपनी पत्नी शांति से मिलूंगा और उसकी चिंता भी बहुत सता रही है पता नहीं इस वक्त हमारी शांति किस हाल में है और माँ तो ये ऐसी बात कहती है अरे शांति इतना प्रेम हमसे करती है मेरी माँ से प्रेम करती है और उसको छोड़ने की बात करती है माँ का भी बात ना मानू तो धर्म घटता है शांति को छोड़ दो तो धर्म घटता है हे भगवान तुम्हें रास्ता दिखाना अब मैं चल रहा हूं उसकी याद भी बहुत आ रही शांति की शांति
तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम चाया करो, तुम याद न आया करो, सुना दू कि मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूं। मोरे सजना बेदर्दी बड़े है रातिया, मोरी पीवा बेदर्दी Yeah!
मैं बाबूजी की इंतजार करती हूँ क्योंकि वो आने वाले हैं। शांति। अरे बाबूजी। शांति। हाँ बाबूजी। क्या बात है शांति, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ कुछ बात ही ऐसी है वो कि मैं खुशियाँ मना रही हूँ और गा रही हूँ। हाँ हम आते आते और आपके गुनगुनाने की आवाज सुना हूँ कि आप खुशी में गुनगुना रही हैं। अरे शांति। हाँ बाबूजी। अरे कोई खुशी की बात है तभी गुनगुना रही हो। हाँ शांति। और गुलफाम किस खुशी में, शांति कहो ना बाबूजी। गुलफाम किस खुशी में यूं गुनगुना रही हो। और जैसे तो दिलों का ए शांति, और जैसे तो दिलों का नगमा सुना रही हो। मैं बताऊंगी बाबूजी, शांति किस खुशी में तुम गुनगुना रही हो, नाच रही हो, गा रही हो, क्या बात है शांति बोलो ना। मैं आपको जरूर बताऊंगी ये। हाँ। बात आपको नहीं बताऊंगी तो भला किसको बताऊंगी। हाँ हाँ शांति, तो मैं जानना चाहता हूँ, बताओ ना। सुनिए बाबूजी। बताइए ना। और सा दिल खुशी है। अच्छा। सा मेज दिल खुशी है, खुशिया मना रही। बाबूजी को मन ही मन में गुनगुना रही हूँ और खुशियाँ मना रही हूँ। शांति। और मुझको भी शांति, और मुझको भी किस खुशी का बतला दे बात हमारी कसम शांति। हाँ बाबूजी। हमारी कसम ना करो बाबूजी। शांति वो खुशी की बात बताओ, हम भी जानना चाहते हैं तुम्हें, हमारी कसम शांति बताओ, जल्दी बताओ। सुनिए बाबूजी। हाँ बोलिए ना। और बता दू पिया से, बताओ। और बता दू पिया से जो मैं बात सारी बता दू। मगर शर्म आती बाबूजी। हाँ मैं सुनाऊं। मगर शर्म आती है बालम हजारी, मगर शर्म आती बाबूजी।
आपको शर्म किस बात की? मुझे शर्म आती है। अरे सर।